हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SNT पर। हाँ तो दोस्तों, मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं और हर तरीके से परेशान हूं। मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज भी आने लग गए हैं। वो ये है कि अगर हमारा ट्विटर पर अगर कोई वीडियो अपलोड हो जाता है या हो रहा है तो उस चीज़ पर हमको आप बताएँ या हमको नॉलेज दें। तो दोस्तों, उस चीज़ के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उसको डिलीट करवाने का वादा मेरा है, मैं आपके साथ हूँ, पर इस रिलेटेड ये जो मुद्दा है ना मेन ट्विटर वीडियो का, कि ट्विटर पे आपकी ये वाली वीडियो वायरल हो रही है, ये वाली वीडियो वायरल हो रही है, उस चीज़ के लिए मैं दिनेश भाई को अपने लाइन पे लेना चाहता हूँ, उनसे इस चीज़ के मतलब इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों, दिनेश भाई अपने साथ हैं, लाइव वीडियो कॉल पर हैं, वो इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये, आपके दोस्त ने अमित भाई ने मुझे गलत समय पे डिस्टर्ब किया है। जब यार इतनी रात को कौन परेशान करता है यार, पर चलो कोई बात नहीं, भाई ने जब हमें जगाया तो हम जागेंगे और बात करेंगे ट्विटर पे। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, ये है कि कल हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था साइबर सेफ्टी चैनल पर, कि आपका वीडियो ट्विटर पर किन किन परिस्थिति में अपलोड हो सकता है, किस किस परिस्थिति में अपलोड नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्विटर की पॉलिसीज थोड़ी मतलब अलग हटके हैं आपकी यूट्यूब की पॉलिसीज से, फेसबुक की पॉलिसीज से सबसे अलग हटके हैं। ट्विटर पर आपको मतलब हजारों की संख्या में ऐसे अकाउंट्स मिल जाएंगे जहां पर मतलब आपको पोर्न वीडियोस देखने को मिलेंगे HD में, फुल HD में, आप भी देखिए जाइए, भयंकर क्वालिटी में मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, मैं तो खुद दोस्तों ये चाहता हूं कि अगर आपका न्यूड वीडियो किसी ने बनाया है ना, तो वह ट्विटर पर जाकर आपके वीडियो को अपलोड करें तो सही, मात्र 24 घंटे तो दूर की बात है, 10 घंटे के अंदर उस अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने दोस्तों कई बार आपको बताया है कि आपके वीडियो कहां कहां अपलोड हो सकते हैं, कहां कहां अपलोड नहीं हो सकते हैं। तो हमने जब भी बताया है तब वीडियो मतलब ट्विटर के बारे में, तो हमेशा हमने ये कहा है कि ट्विटर पर आपका वीडियो अपलोड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार समय समय पर ट्विटर पर ऐसे पोर्नोग्राफी वाले वीडियो जो डालने वाले चैनल्स को डिलीट करती रहती है। ठीक है, इसके बावजूद बहुत से चैनल्स हैं जहां पर ट्विटर पर वीडियो अपलोड होते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है, ठीक है, ट्विटर पर अगर किसी भी भाई का वीडियो अपलोड होता है ना, तो आपको डरने की पहली चीज़ यह है कि आपको पैनिक में नहीं आना। ट्विटर ऐसा नहीं है कि भाई ट्विटर पे आपका वीडियो अपलोड हो गया तो वायरल हो जाएगा, उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप आधी रात का मतलब जैसे अमित भाई ने हमें आधी रात को जगा दिया ना, ऐसे अगर आप हमें जगाएंगे तो आधी रात को आपका वीडियो डिलीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है ट्विटर पर। हम ये भी आपको दावे से कह सकते हैं कि मतलब इंडियन कोई भी आपका कस्टमर है वो ट्विटर पर वीडियो अपलोड नहीं हो सकता। ट्विटर का मुद्दा उठा कहाँ से, एक राहुल बांबले भाई हैं, ठीक है, वो काफ़ी नॉलेज वाले आदमी, आपकी हमेशा मदद करते हैं। ठीक है, राहुल बांबले ने हमेशा मतलब यूट्यूब पे न्यूड वीड़ियो कॉल ब्लैकमेल से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, हमेशा उन लोगों की मदद की है राहुल बांबले भाई ने। बट राहुल बांबले भाई ने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि एक लड़की का ट्विटर पर अकाउंट है और उसने मतलब 1000 से ऊपर उसके फॉलोअर्स हैं और न्यूड वीडियो उसने अपलोड किए हैं। तो आपको पता है वो लड़की कौन है दोस्तों? मुझे नहीं पता आप जानते या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उस लड़की की जो ID है वो बांग्लादेश की है। ठीक है, बांग्लादेश, जब मैं उस लड़की की आईडी को फॉलो करता हूँ ना, तो उस लड़की की आईडी से रिलेटेड मतलब वो लड़की जिसको फॉलो करती है और उस लड़की को जो फॉलो करते हैं वो लगभग 95% बांग्लादेशी हैं।
आप अगर सऊदी अरबिया में हैं ट्विटर से डाउनलोड मतलब अपलोड कर सकते हैं कोई भी पोर्न वीडियो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं कर सकते हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्री में हैं स्पेन में हैं तो फुली एचडी आपको मिल भी जाएंगे। ट्विटर पर जाइएगा दोस्तों, जाकर देखिएगा फुली एचडी ट्रिपल एक्स वीडियो, एक से बढ़ के एक वीडियो आपको मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। पर बात करने वाले हैं न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग की। तो न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग की, खासकर इंडिया में बने हुए न्यूड वीडियो ब्लैकमेलिंग वाले जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो ट्विटर पर पहली चीज़ तो अपलोड होंगे नहीं, अगर हो जाते हैं तो आधी रात को क्या डेढ़ बज के समझिएगा 1:32 पे फ़ोन कीजिएगा, मतलब 2:02 पे हम आपकी वीडियो को डिलीट करें, मजाक मत समझिएगा। ठीक है, हम मतलब ये ट्विस्ट लेके आते हैं इसलिए लेके आते हैं कि आप वीडियो को देखें और बोर ना हो, पर हमारी भावनाओं को समझिएगा। मेहनत की कमाई आपकी, मेहनत आप करो और पैसा कोई आपसे कोई और मांग ले जाए, होगा ऐसा? घंटा नहीं होने देंगे। ठीक है, आपकी मेहनत की एक एक कमाई का एक एक पैसा आपके पास रहेगा, और जब जब आपका कोई एक पैसा कोई आदमी आपकी वीडियो बनाकर मांगेगा ना, तो उसको साले को जेल मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो हमारी जिम्मेदारी है। 1% आपको ना डरने की ज़रूरत है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या पोर्न वेबसाइट हो, घंटा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आधी रात को क्या सुबह 4:30 की नींद के बारे में लोग बताते, बहुत गहरी नींद आती है, तब हमें जगाइए, हम जगेंगे, मजाक मत समझिएगा हमारी बात। अब ये है, मजाक समझ रहा है हमारा मित्र, एक बगल में बैठा है, मजाक समझ रहा है, पर धनेश ने कभी मजाक नहीं किया इस मैटर में। जहाँ तक ब्लैक मिलर्स की बात आती ना दोस्तों, तो आधी रात को मुझे जगा लो, उसकी मारने के लिए मैं तैयार हूँ कभी भी, क्योंकि इन्होंने हमारे मेवात को बदनाम कर दिया यार। चला ईगो हर्ट होता है हमारा, मैं इस मैटर पर कभी वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। अगर मेवात के जो ब्लैकमेलर्स हैं, साइबर ठगी करने वाले जो लोग हैं, वो अपना सिस्टम बदल देना, तो हम कभी नहीं बनाएंगे। पर यार हम भी मेवात में रहते हैं और यहाँ के जो लोग इस तरह की ठगी करते हैं ना, तो भाई देख बुरा लगता है। वो अपना डायलॉग सुनो, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, ऐसे नहीं, वही वाली बात है। घंटा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको धमकाता है, ठीक है, अमित भाई से संपर्क कीजिए। आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, cybercrime.gov.in पर आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। आपकी कंप्लेंट आपके लोकल थाने में जब बात होगी ना, तो आपके बिहाफ पर अमित भाई उस थाने में बात करेंगे। चाहे अमित भाई को DSP से बात करनी हो, CO से बात करनी हो, चाहे SP से बात करनी हो, ज़रूरत पड़ी तो DM से भी करेंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी से नहीं, ज़रूरत पड़ी तो उस स्टेट के सेक्रेटरी से बात करेंगे, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से। पर मैं ये सब चीज़ें कब होंगी, ये सब चीज़ें होंगी जब आप डरना बंद करें। आपका वीडियो, इंडिया में रहने वाले किसी भी शख्स का वीडियो ट्विटर पर अपलोड नहीं होगा, इस चीज़ की लिखित गारंटी मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर अमित भाई 1000 का स्टाम्प मुझे देंगे, दोगे? बिल्कुल दोगे। हाँ बिल्कुल दूंगा। 1000? हाँ 2000 का दूंगा। 1000? 2000 का दूंगा। 2000 के स्टाम्प पर मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। आपको घंटा कोई परेशानी मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। न्यूड वीडियो को ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड मामले में अगर आपका वीडियो ट्विटर छोड़िए दुनिया की किसी भी वेबसाइट पर अपलोड होता है, तो अमित भाई से बात करिए। बात करोगे दोस्तों से, किसी की भी परेशानी को निपटाओगे? बिल्कुल। अगर कोई मित्र है रात को 12 बजे वो परेशानी में फंसा, तो बात करोगे? 1 बजे भी करूंगा। भाई कह रहे हैं कि आप आधी रात को बात करोगे, तो अमित भाई बात करने के लिए तैयार, ठीक है। पहली चीज़ यह है कि आपको पैनिक में नहीं आना है। दुनिया की कोई ताकत ना आपको डरा सकती है, ना आपको झुका सकती है। आपका जो आत्मविश्वास है वही हमें चाहिए। सिर्फ आप अपने आप को गिल्टी फील ना करवाएं, अपने आप को अपराध का बोझ ना करवाएं।
बाकी की सारी समस्या मेरे ऊपर नहीं, अमित भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। हंस के बताओ भाइयों को, भाई सब कुछ संभाल लेंगे। अरे जहां हमारा रास्ता बंद हो जाता है तो हम उस रास्ते को खुलवाने के लिए अमित भाई के पास जाते हैं, और जब आप अमित भाई के सब्सक्राइबर हैं तो अमित भाई आपके लिए रास्ता खुलवाने के लिए बाबा बुलडोजर क्या वो उससे भी बड़ा बुलडोजर लेके आएंगे। बस यह है कि आपको डरना नहीं है और किसी भी ब्लैकमेलर को एक फूटी कौड़ी नहीं देनी है। अगर आप किसी को भी पैसा नहीं देते हैं तो आपके लिए हर संभव जो मदद होगी अमित भाई करेंगे।